हे गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टॉपिक आपको पता लग चुका है टाइटल से। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपनी फोटोज़ को ब्लर कर सकते हैं। जैसे DSLR में ब्लर होता है, वैसे आप अपनी फोटोज़ में भी ब्लर ला सकते हैं जो आपने अपने फ़ोन से खींचे होंगे। तो गाइज, होता क्या है, जब हम कोई फोटो अपने फ़ोन से खींचे, जो हाई क्वालिटी फ़ोन होता है, तो अगर हम उससे कोई फ़ोटो खींचे तो उसका जो मतलब क्वालिटी है वो अच्छी आती है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर नहीं आता। तो गाइज, उसको आप अच्छे से ब्लर कर सकते हो जैसे कि DSLR में होता है। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आज मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कैसे आपको उसको ब्लर करना है। तो गाइस, चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, सिंपली आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वो कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखाऊंगा उसका इंटरफेस और उसको यूज़ कैसे करना है। तो गाइस, चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, इस टाइप से आपका जो इंटरफेस है देखने को मिल जाएगा जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपना फोटो यहाँ पर लाना है जो आपको ब्लर करना होगा। तो गाइस, यहाँ पर हम एक फोटो चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्कैन होकर इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे रिमूव हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको पहले क्लासिक के नीचे एक पिक्चर मिल जाएगी अपनी, उसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं होगा तो आपको इसको छोड़ देना है। दूसरा होगा PNG तो आपको इसको भी छोड़ना है, और तीसरा जो होगा वो ओरिजिनल में होगा तो आपको ओरिजिनल वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, जैसे आप ओरिजिनल वाले सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहां पर इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपका ओरिजिनल फोटो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको ऑब्जेक्ट्स के नीचे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है पर्सन, दूसरा है बैकग्राउंड। तो आपको यहां पर बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ये तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आपको गॉशन सेलेक्ट करना है, या आपको यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट करना है, या तो आपको डिस्क सेलेक्ट करना है। तो कैसे आपको करना है, अगर आपको कम जो ना बैकग्राउंड में ब्लर चाहिए तो आपको गॉशन सेलेक्ट करके इसका जो लाइन है फुल्ली यहाँ पर कर लेना है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है ब्लर हो चुका है। अगर इससे ज़्यादा ब्लर चाहिए तो आपको यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लाइन है इसको इंक्रीज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको यहाँ पर करना है डिस्क पर क्लिक, और इसका जो लाइन है फुल्ली यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो किस तरह से बन चुका है। लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा बॉक्स, और यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉक्स को आपको इतना रख लेना है, तो यहाँ पर आप हाफ तक रखिएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोटो बिल्कुल यहाँ पर DSLR के जैसे लग रहा है। जैसे कि DSLR में यहाँ पर ब्लर होता है, वैसे ही हमने यहाँ पर इसको ब्लर कर दिया। तो गाइस, अब आपको इसको सेव कैसे करना है, ऊपर यहाँ पर आपको ये एरो दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको सेव टू गैलरी कर लेना है। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो हम यहाँ पर क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद आपको जाना है बैक। अब हम किसी और फोटो को लेते हैं, उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिखाऊंगा मैं आपको उसको कैसे ब्लर करना है। तो गाइस, यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर क्लिक कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फोटोज होते हैं तो आपको लगता होगा कि ये शायद इसी फोटो में करता होगा, तो यहाँ पर हम कोई और फोटो चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं और एक फोटो चूज कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मेरे पास ये वाला फोटो था, हम इसको यहाँ पर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड पहले रिमूव हो जाएगा, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। तो गाइस, फिर से आपको वही जो स्टेप्स करना है, ये वाला जो ना ओरिजिनल फोटो चूज कर लेना है, उसके बाद बैकग्राउंड, उसके बाद ब्लर, और यहाँ पर गॉशियन सेलेक्ट करके इसकी जो लाइन है फुल्ली यहाँ पर इंक्रीज कर लेनी है। या आपको बॉक्स लेकर आपको इसका जो इसकी जो लाइन है वो यहाँ पर फुल्ली इंक्रीज कर देनी है, या आप हाफ इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर DSLR के जैसे ब्लर हो चुका है। तो गाइस, इसको आपको सिंपली यहाँ पर सेव करके सेव टू गैलरी कर लेना है, और आपका जो फोटो है बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर DSLR में ब्लर होता है, वैसे यहाँ पर आपका ब्लर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे और फीचर्स हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब वहाँ से तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।